यहाँ पर सानी का रूप होता है। एक बार उछल के पास बॉल है तो भगाते हुए राइट साइड से यहाँ पर उसका प्रयास करते हैं, अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास यहाँ पर अच्छे शॉट बना रहे हैं। देखने वाली बात है, अच्छा मोमेंट यहाँ पर हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि एक ही स्टाइल कहां तक पार कर पाती है यहां पर पिछड़ी को, पिछड़ी की वजह से काफी जबरदस्त खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। और इसके बाद का जो मैच होना है तो फाइनल में जाने का टिकट कटा चुकी है जो कि केजीएन आजाद बस्ती। हम चाहेंगे कि आप भी अपनी तैयारी पूर्ण करके रखेंगे क्योंकि समय हम लोग पास कम है और इसके तुरंत बाद आप सबको आज का इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेलना है केजीएन आजाद बस्ती को। और बतला देना चाहेंगे प्रेम जी जो कि हम लोगों के जस्ट बगल में यानी कि कमेंट्री बॉक्स में जस्ट बगल में हम लोगों के बीच उपस्थित है हमारे मदन लोहरा जी जो कि काफी बेहतरीन सिंगर है, गायक है। आप यदि यूट्यूब में जाकर सर्च करेंगे मदन लोहरा ठीक नागपुर से हमको आपको अच्छे अच्छे गाना देखने के लिए सुनने के लिए मिलेगा और उनका आगमन हुआ है तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उन्हें भी। बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी। और काफी शानदार मैच होता हुआ दोनों टीमों के बीच सेमीफाइनल का दूसरा मैच एज स्टाइल लौरदगा वर्सेस पिछड़ी के बीच। और यहाँ पर पिछड़ी खिलाड़ी के पास बॉल ने यहाँ पर उछाला है हालांकि बॉल को आगे बढ़ाते हुए शानदार तरीके से देखना होगा कि किस तरह से मैं चाहूंगा 10 मीटर वार सदस्य आप मैदान के आगमन हुआ है बांसुरी का भी जो है बांसुरी वादक और यहाँ पर और थोड़ा करने का मौका। और अभी अभी हम लोग भी उपस्थित हो रहे हैं हमारे दुर्गा पंचायत के मुखिया समिति सदस्य अमन राजी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सेना थाना के छोटा बाबू हम लोगों को यहाँ पर सफल बनाने के लिए हम लोग जो बीच उपस्थित हुए हैं उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज के हमारे टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि के रूप में हम लोग बीच उपस्थित हुए हैं हमारे जिला परिषद सदस्य माननीय श्रीमती राधा तिर्की जी, उनके भी राम राम अपने टीम के लिए यहाँ पर लंबा किक लेते हुए प्रति खिलाड़ी के लिए वहाँ पर काफी जबरदस्त और यहाँ पर बैक पास करते हुए यहाँ पर किसी खिलाड़ी बॉल को लेकर भागते हुए निश्चित रूप से और यहाँ पर एज स्टाइल खिलाड़ी रवि के पास बॉल और यहाँ पर निशात खिलाड़ी के लिए पास किया और फिर से यहाँ पर निशात खिलाड़ी के लिए बैक पास सॉरी यहाँ पर लेकिन उतना ही मुस्तैद यहाँ पर एज स्टाइल खिलाड़ी सात खिलाड़ी के लिए पास करते हुए लेकिन अनबैलेंस यहाँ पर रवि जो कि जबरदस्त खिलाड़ी है। काफी अच्छा मौका बनाते हुए यहाँ पर एजेस्ट है की टीम हालांकि पिछड़ी की टीम भी कम नहीं है हालांकि काफी मेहनत करने जानते हुए वो टीम हालांकि यहाँ पर सुधार के पास बॉल थी छोटे का पिछड़ी के पास बॉल टाइम पर अक्सर बॉल को क्लियर करने में सफल हुई सुधार के पास बॉल है यहाँ पर गलत खेल का प्रदर्शन दिखाते हुए पिछड़ी के खिलाड़ी लेकिन अभी तक सफल नहीं हुए हैं हालांकि देखना होगा कहाँ पर सफल होते हैं और फिर से यहाँ पर पिछड़ी खिलाड़ी बॉल को लेकर भागते हुए परमेश्वर पूरा वहां पर मौजूद काफी शानदार खिलाड़ी अपने टीम के लिए यहां पर हालांकि देखना होगा किस रणनीति के साथ अपने खेल को प्रदर्शित करते हैं लेकिन उतना ही शानदार तरीके से यहां पर एज स्टाइल खेल खेले और दोनों टीम मेहनत करो काफी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों टीम काफी बराबरी पर अभी खेल रहे हैं तो कुछ अलग करने पड़ेगा यहाँ पर दूसरे के पास बॉल छोटे का खिलाड़ी है रवि सर काफी अच्छा खेल का नजारा दिखाते हैं सभी खिलाड़ी को और सभी दर्शकों को अभी बॉल के पीछे भागते हुए जैसे अगर सिटी के पास बॉल है अपने साथी खिलाड़ी को देना चाहते लेकिन स्टैंड हुए यहाँ पर और पूरा एक बार अच्छा खेल का नजारा पेश कराते हुए यहाँ पर जैसे नगर हालांकि यहाँ पर विचरी के पास बॉल है देखने वाली बात होगी बॉल को छीन पाते या नहीं लेकिन हालांकि यहाँ पर काफी मुस्ताद के बाद यहाँ पर बॉल को क्लियर करने में सफल रहे
एजो स्टाइल जिस प्रकार एजो स्टाइल खेल के लिए जानी जाती है, हालांकि उस टाइप का खेल अभी तक दिखाई नहीं है। तो मैं चाहूंगा आप जिस प्रकार खेल यहाँ पर टाणी करेंगे, पुनः एक बार दूसरे के पास बॉल है भगाते हुए राइट साइड से यहाँ पर एक प्रयास करते हैं, अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास यहाँ पर अच्छे शॉट मारे हैं। देखने वाली बात है, अच्छा मोमेंट यहाँ पर हम लोग बीच उपस्थित होने वाले हैं, हम लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए, टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए, जो कि इस मंच के संरक्षक प्रकाश राव का भी आगमन हुआ है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो कि पूर्व वड़गांव मुखिया हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। और काफी जबरदस्त मैच होता हुआ बतला देना चाहेंगे, एजे स्टाइल और दगा वर्सेस पिछड़ी की बीच मैच होता हुआ, हालांकि अभी तक स्कोर नहीं हुआ है, लेकिन काफी जोरदार मैच चलता हुआ दोनों टीमों के बीच, और देखना होगा कि कौन सा टीम